ओम शांति। 17/4/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठी बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना, 5 विकारों से अपने आप को बचा कर रखना, ना कि उनके वश में चलना। उसे ही फिर ईश्वरीय मत कहा कि जो विकारों के वश में है वो ईश्वरीय मत के विरुद्ध है। प्रश्न है मुरली का, माया भी बाप की मददगार है, कैसे? उत्तर, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख, उसके वशीभूत ना हो। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परमपिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो, यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है, अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप करते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े, अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया कोई कम नहीं है, भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ, भल स्थूल वा सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, वो तो किसी को पनिशमेंट नहीं देते, वो तो बाप है। बाप किसी बच्चे को भला कैसे दुखी परेशान देख सकता है और कैसे भला किसी को पनिशमेंट कर सकता है? बाबा तो कहते, मेरे साथ में जो राइट हैंड बन करके आप सबके बिना डायरी बिना पेन के हिसाब किताब जो रखता है वह तो धर्मराज है, तो उसे आपको हिसाब किताब देना पड़े, वो आपसे गुस्सा हो सकता, मैं तो भला कैसे गुस्सा हो सकता? बाबा कहते, इस तरह से किसी के ऊपर भी बाप गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं जो समझते हैं यह आसुरी मत का है। माया एक ही गुस्से से एकदम खत्म कर देती है, फिर कितना विघ्न डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता, क्योंकि अज्ञानवश करते हैं, यहाँ तो ज्ञान होकर के करते हैं, तो यहाँ का क्या है, पाप बनता है। कई नजदीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं, बाप कहते, यह भी ड्रामा में नोंद है जो सुनते हुए, जैसे कि सुनते ही नहीं तो बाबा क्या करें। आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय सांप्रदाय और आसुरी सांप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है, ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय सांप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं वह भस्मासुर बन जल मरते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले कामचिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वह तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप की पहली पहली आज्ञा है, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो।
जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है। बाप तो परम धाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाकर नरसे नारायण बनाने, फिर भी ऐसे बाप के ना फरमान बरदार बच्चे बन जाते हैं। बाहर निकलने से माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर तरस पड़ता है, कहां कहां बेचारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाते हैं, काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं, फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं, कितनी बेचारी बांध हो जाती हैं, इतने सबका पाप उन पर पड़ता है ना, बड़ी कड़ी सजा खाते हैं। बात मत पूछो, माया जानती है कल्प पहले वाले कौन कौन हैं जिन्होंने मुझे जीत बाबा का तरफ लिया है। वह भी सयानी है, देखती हैं यह बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देती हैं। कौन? माया। बाप जानते हैं यह अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती हैं। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है, तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए, अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, बड़ी संभाल करनी है, कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम वर्षा से वर्षा लो, तुम देवता बनने आए हो, धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ते ही हैं। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की, आसुरी सांप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं अब उनके कितने चर्चे आदि बनते हैं, चर्च आदि बनते हैं ना, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां से मिलता कुछ भी नहीं, दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा, वह सिर्फ कहते तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते हैं, सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं, तो मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं, ज्ञान का जरा भी पता नहीं है, क्रोध भी बहुत कड़ा है जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं, फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूँ। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है, नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे, फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचते ऊंच बन सकते हैं। बाप कितना समझाते हैं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया है, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर और फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे, उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है, परमात्मा कोई चोरी करने तो नहीं कहते हैं, है ना, परमात्मा ऐसे तो नहीं कहते हैं कि ऐसा कोई छोड़ो, खाना छोड़ दो, भूख प्यास रहो, है ना, सूली पर चढ़ जाओ, है ना, सिर्फ विकारों को छोड़ने कहते, तो उन विकारों के बिना तो ऐसे नहीं है कि आप प्राणवायु नहीं ले सकते हैं, विकारों को ही छोड़ने कहते हैं। तो बाप भी है, धर्मराज भी है, धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी ग्लानी करते हैं, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं, हाथ उठाते हैं हम लक्ष्मी नारायण को बोलेंगे और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा, क्योंकि सतयुग में कोई भी विकारी हो नहीं सकता और इस कलयुग में कोई भी पावन हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं देवी देवताओं के पैर धरनी पर नहीं पड़ते, क्योंकि उस धरनी पर कोई भी अपवित्र आत्मा अंदर आ ही नहीं सकती।
अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आँखों का लोन ले आए हैं। ब्रह्मा की आँखों में जो चमकता हुआ नूरे रत्न बच्चे बाबा कहते हैं ना, वो जो छोटा सा डॉट है ना, उससे वो देखते हैं हम बच्चों को, है ना। तो इनका आँखों का सहारा लिया है ना। बाबा क्या कहते हैं, इन आँखों का लोन ले आए हैं तो देखते हैं, यह फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह कांटा है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते। बाबा सर्वशक्तिमान है, माया पर जीत पहनाने आते हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो, श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो, माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है, वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहां दूर रहे तो अच्छा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। रात्रि क्लास 17:06:68। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ गोप भी चलाते हैं। मुरली तो सहज कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। ब्राह्मणियां बैठी तो हैं, बाबा पूछते हैं, कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वह हाथ उठावे, मुरली हाथ में नहीं उठाकर बगैर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं वो भी हाथ उठावे। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना, पढ़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। नंबर वार तो है ना, महारथी घोड़े सवार और प्यादे, सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं, एडिशन कर रहे सभी सुनाते रहते हैं, है ना, रसीले नमूने। सभी ऐसे नहीं समझा सकते, यहाँ तो बाप बैठे हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, कोई बात में संशय होना नहीं चाहिए, एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं, हाँ, मैथ का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, लिटरेचर का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा। यहाँ तो जो बेहद का पढ़ाने वाला है, एक के द्वारा एक का ज्ञान है ना। तो बस बाबा कहते हैं, अलग अलग समझाने के तरीके हैं, रसीले नमूने हैं, तो संशय नहीं करना चाहिए। अलग अलग पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं उन स्कूलों में, यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, मनुष्य से देवता बनने की, राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं, तो इसमें प्रश्न पूछने का रहता नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको या इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। अंगुली तुम किस में देते हो, पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं, सभी शांति में चले जावे, सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं। जिनका योग है वह उठाते हैं, बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, तो पवित्र हो जाए, जिनका योग होगा समझेंगे। बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है, अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत थोड़े हैं मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है यह पावन बनने की, गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे, ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है,
तुम जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा लेना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं, यह है रूहानी। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह भी पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, कब कैसे बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। गीता में भी आटे में लून है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है। बाबा कहते गीता में जो लिखा हुआ है ना, उसमें भी जितना आटे में नमक डालते हैं ना, उतना सत्य है, उतना भी नहीं है। बाबा कहते भारत का योग बल तो नामी गिरामी है, तो बाप ही सत्य आकर बताएंगे कि क्या सत्य है क्या नामी गिरामी योग बल है। बाप कहते हैं हठ योगी राजयोग सिखलाना सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना, सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते। यह तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है, अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो, प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो औरों के पास कहां से आया। गीता के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं, यह दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है। ब्रह्मा बाबा कितना पढ़े हैं, 12 गुरु किए उन्होंने, लेकिन अभी उनको सत्य ज्ञान आया। तो जानते हो दुनिया तमोप्रधान है, बिल्कुल बेसमझ। भारत समझदार था, भारत का ही खेल है, दूसरे धर्म कब आते हैं यह भी बच्चे समझते हैं। मूल बतन सूक्ष्म बतन को भी तुम समझ गए हो, मूल बतन क्या है और सूक्ष्म बतन क्या है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं, तुमको सारे विश्व की नॉलेज अब है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने हो, बने तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनास्टी स्थापन होती है या हो रही है। बाबा क्या करते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं ना, तो बाबा क्या कहते हैं तुमको जो यह नॉलेज देते हैं जिससे फिर तुम्हारा डीटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन करते हैं, वह भी संगम पर स्थापना करते हैं, और धर्म वाले फट से डिनास्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो, कपड़ा सिलाई करते हैं तो बुद्धि योग बाप की याद में रहे। हाँ, ऐसे तो नहीं है कि आप दाल की जगह चावल, चावल की जगह दाल, हल्दी की जगह नमक, नमक की जगह हल्दी डाल देंगे, यदि याद रहेगी किसी की तो। हाँ, तो याद में रह करके सब करें। बाबा कहते हैं बुद्धि योग बाप की याद में रहे, खिचड़ा तो निकालना है ना। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह लिए भल करो, है बहुत सहज, समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ, अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है, रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। कहते भी हैं वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना, वहां ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य जहाँ लड़ाई नहीं, द्वैत माना आसुरी रावण राज्य जहाँ लड़ाइयां हैं, क्योंकि अनेकानेक धर्म अनेकानेक राज्य अनेक देश के टुकड़े, तो वह है देवता यह है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, श्रेष्ठ कुल था, धर्म कर्म दोनों श्रेष्ठ, अब दोनों भ्रष्ट। तो फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं, हम सो देवता थे फिर
कला कम होती गई, हम शूद्र डायनेस्टी में आए। बाप पढ़ाते हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं, यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए, ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट होनी नहीं चाहिए, बाबा गुहा गुहा बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट रूहानी बच्चों को, नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के बाप दादा को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, भस्मासुर नहीं बनना है, धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। आपको ईश्वर से डरना नहीं, लेकिन धर्मराज की सजाओं का और अपने कर्मों पर ध्यान दे करके चलना है। वरदान है, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहजयोगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहजयोग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी रहेगा चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, मन वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं, जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ ही नहीं सकती, सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। दिलाराम बाप को अपने दिल पसंद है तो दिल देना होगा, मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल समर्पित हो जाना। अच्छा, स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाप से इसका और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो ना तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का।